राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए घेरा बनाना बताया है, तो आज हम यही घेरा बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर हमने टोटल 7 राउंड किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमने 7 राउंड किए हैं। बहुत इजी है बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं घेरे को। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली बना ली है। चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख कर आप चोली बना लीजिए। अभी देखिए, हमने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है। अभी हमारी इस तरह से ये चोली है खुली। घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और देखिए, नेक्स्ट हमारी चेन है, यहाँ पर भी हम इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच करेंगे, नेक्स्ट में भी एक बार और करेंगे। अब यहाँ से हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, घेरा बनाएंगे हम। घेरे के लिए सबसे पहले हमने 3 चेन लेनी है, 1 2 3। तो ये 3 चेन हमारे डबल क्रोशे के हाइट की हो गई। तो ये देखिए, अब डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो डबल क्रोशिया हम देखिए किस तरह से बनाते हैं। क्रोशियो में हमारे एक तरह से एक फंदा है, दूसरा फंदा लेंगे हम। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे, धागा निकालेंगे। देखिए, 3 फंदे हो गए क्रोशियो में, 3 से 2 कर देंगे और 2 से 1 कर देंगे। तो देखिए, एक में हमने ये 3 चेन ली, नेक्स्ट में हमने ये डबल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट में हम एक बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, इस तरह से एक में एक बार, एक में 2 बार। अब नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम इस तरह से 2 बार बनाएंगे, नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए, देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। तो स्टार्ट हमने 1 से किया था, अब लास्ट हम 2 पर करेंगे। ये हमारा यहाँ पर बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। देखिए, स्टार्ट हमने 1 से किया था और लास्ट हमारा ये 2 पर हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमारे चोली के लास्ट में 25 स्टिच हैं। ये लास्ट वाले में हमारी 25 है, तो यहाँ पर हमें 24 यूज़ करने हैं। 24 स्टिच यूज़ करेंगे हम। तो एक हमने यहाँ सेंटर में स्किप किया है, आप कहीं पर भी एक स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेंटर में एक स्किप किया है। तो यहाँ पर टोटल हमारे 24 स्टिच यूज़ हुए हैं। अब हम देखिए, यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। तीन की चेन के ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे हम 1 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, 1 2। फिर से देखिए, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर हम 2 बार। देखिए, यहाँ पर हम क्रोशियो को डालेंगे, इस तरह से हम यहाँ पर 2 बार बना देंगे, इस तरह से। अब हमें क्या करना है, देखिए थर्ड चेन में हमने 2 बार बनाना है। फर्स्ट में हमने 1 बार बनाया, सेकंड में 2 बार,
सॉरी फर्स्ट में एक बार, सेकंड में एक बार और थर्ड में हमने दो बार बनाया। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए 1 1 2 1 1 2। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हम। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक बार बना लिया हमने, अब यहाँ पर ये दो बार बनाएंगे। देखिए एक बार, एक बार, एक बार, दो बार। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए 1 2 3, ये हमारी थर्ड चेन है, तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब यहाँ पर हम फिर से तीन चेन लेंगे, 1 2 3। डबल क्रोशी के हेड के हमने ये तीन चेन ली। अब देखिए नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशी है इसकी चेन को लेकर हम एक बार बनाएंगे। नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे। नेक्स्ट में यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे, 1 2, दो बार बनाया। अब देखिए नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से। अब नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में भी एक बार बनाएंगे। एक बार बनाना था हमने यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे, 1 2, इस तरह से। अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ पर, 1 2 3, तीन में हमने एक एक बार बनाया है, फोर्थ में आकर ये देखिए दो बार बनाया है, फिर थ्री में एक एक बार बनाया है, फोर्थ में आकर हमने दो बार बनाया है। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3, देखिए यहाँ पर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम 1 2 3 तीन चेन लेंगे डबल क्रोशे के हाइट की। अब नेक्स्ट में ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसकी चेन है हमारी ये, इसको हम उठाएंगे और डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये एक दो बार डबल क्रोशे बना लिए हमने, एक में एक बार, एक में एक बार। अब थर्ड में हम एक बार बनाएंगे, अब फोर्थ में एक बार बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सिक्स है ये हमारा, तो सिक्स में हम यहाँ पर दो बार बनाएंगे, 1 2। फिफ्थ है सॉरी हमारा, देखिए 1 2 3 4 5, फिफ्थ में दो बार बनाएंगे। देखिए 1 1 बार 2 1 बार 3 1 बार 4 1 बार, अभी देखिए फाइव में आ गए हम, फाइव में दो बार बनाएंगे, 1 2। नेक्स्ट में एक बार, फोर टाइम हमने एक एक बार बनाना है, 1 2 3 और 4। अब फिफ्थ में दो बार बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से हर फिफ्थ रो में हम दो बार बनाएंगे, फिफ्थ राई में 1 2 3 4, फिफ्थ में दो बार, 1 2 3 4, फिफ्थ में दो बार, 1 2 3 4, फिफ्थ में हमने यहाँ पर भी दो बार बनाया है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम घेरे के लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3। थर्ड चेन में देखिए 1 2 3, थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम तीन चेन लेंगे डबल क्रोशे की हाइट की। अब नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, अब देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे, देखिए लास्ट यहाँ पर दो बार बनाएंगे।
इस तरह से। नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में भी एक बार, ये थ्री टाइम बनाया हमने एक बार, ये फोर टाइम बनाया एक बार, और ये फाइव टाइम बनाया एक बार, और ये सिक्स सिक्स टाइम हमने ये दो बार बना दिया इस तरह से। देखिए यहाँ पर दो बार बनाया, उसके बाद देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हमने ये एक एक बार बनाया है, सिक्स में आकर ये दो बार बनाया है। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे राउंड को, और आगे का घेरा भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर सिक्स बार आया है, नेक्स्ट में हम सेवन बार दो बार बनाएंगे, फिर एट्थ में दो बार बनाएंगे, फिर नाइन्थ में दो बार बनाएंगे। तो इस तरह से हम घेरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए घेरा बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने टोटल देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो यहाँ पर हमने टोटल सेवन राउंड हमने कंप्लीट किए हैं। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, तो इसका डायमीटर देख लेते हैं, ये चार और पाँच नंबर लड्डू गोपाल की घेरा है। ये देखिए यहाँ पर नाइन इंच आ रहा है इसका, देखिए। तो आप आगे का पैटर्न बनाएंगे तो वही आपका ग्यारह बारह इंच तक हो जाएगा। तो इस तरह से आप चार और पाँच नंबर लड्डू गोपाल का घेरा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप वन टू थ्री थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। इस तरह से आपको सिक्स सेवन एट नाइन नंबर कान्हाजी के लिए अगर घेरा बनाना है तो आप इस तरह से एक घेरा बनाइए, और जीरो एक दो तीन नंबर लड्डू गोपाल के लिए घेरा मैं अपलोड कर दूंगी, तो फिर आप वो घेरा भी बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने एक में एक बार, सेकंड में आकर दो बार किया है, और यहाँ पर देखिए वन टू थर्ड में आकर दो बार किया है, यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर्थ फोर्थ में आकर दो बार किया है, और यहाँ पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव फिफ्थ में आकर दो बार किया है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स में आकर दो बार किया है। अब नेक्स्ट में देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन में आकर हमने दो बार किया है, और यहाँ पर देखिए हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट में आकर यहाँ पर हमने दो बार किया है, देखिए यहाँ पर भी दो बार है। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारे ये देखिए लाइन है हमारी, दो दो बार किया है हमने। इस तरफ भी देखिए देखिए दो दो बार है सभी में। तो इस तरह से हमने ये घेरा बनाकर अपना कंप्लीट किया है इस तरह से। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर समझ में आई ये वीडियो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।